बोलिए आपका नाम बोलिए। मेरा नाम आलम है, मेरा बच्चा सोहेल, उसका फरीद नाम एक आदमी आया मेरे घर पे, छत पे जो बात कर रहे थे मेरी दीदी मेरे बच्चे को, बोली बेटे टाइम हो गया आ जाओ नीचे, तो मेरा बच्चा बोला मम्मा अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर वो मम्मी उतर गई नीचे, उसके साथ बच्चा होता मेरे बच्चे को लेके चले गया 12:30 को, 12:30 को जब लेके गया, जब से मेरा बच्चा मेरे बच्चे के घर को मेरे लाश है, मेरे बच्चा जाते मैं फोन, बच्चे का मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, फोन कंटिन्यू कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा मेरा बच्चा, मैं परेशान हो गया, इधर फिर रहा उधर फिर रहा, 6 दिनों के 2-3 दिन के बाद मेरे बच्चे की लाश मिली। उनके दोस्तों को कुछ बता के गया बोल के मालूम है बच्चा? मेरे को इतना ही मालूम, वो फरीद नाम कर ही लेके गया उसको मेरे बच्चे। अच्छा पुलिस क्या बोल रही इस बारे में? पुलिस मालूम कर रहे मोदी बस। तो वो जो मर्डर कर रहा बेटे का, फिर उसको पकड़ के लाए उसको? उसको हम ना ही पकड़ के लिए, पुलिस वाले कुछ भी नहीं, पुलिस हम ना ही घर पे गए, उसका एड्रेस पूछा पूरा, फोन नंबर लेके आए उसका, उसकी फोटो लेके आ गई पुलिस वालों को, फिर हम ना पुलिस वालों को लेके गए रात में, तो उन्हें घर पे नहीं था, 4 बजे रात को भी घर पे नहीं था, उन्हें दूसरे दिन आया उन्हें। गोलकुंडा में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, 26 साल का नौजवान जिसका नाम सोहेल है, इस नौजवान का कत्ल मटर किया गया। ये वाकया जुम्मे के दिन पेश हुआ, अमल में आया, किसी एक लड़के ने सोहेल के घर पर आकर रात के 12 बजे इस बच्चे को अपनी गाड़ी पर लेके गया, उसके बाद इनके फैमिली मेंबर्स ने पीएस गोलकोंडा को इन्फॉर्म किया सवेरे 7 बजे कि बच्चा जो है रात से घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इनको रिस्पांस नहीं मिला, कंटिन्यू ये लोग पुलिस स्टेशन जाते गए। आपको कैसा मालूम हुआ? आप तो जो है उनके वालिद साहब ने फ़ोन कर इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे इन्फॉर्मेशन देती मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, उनके वालिद से तमाम तफसीलात हासिल की, उनसे ये मुझे इत्तला मिली कि वो लोग कंटिन्यू पुलिस स्टेशन फिर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, फिर ये लोग ख़ुद अपनी पर्सनल तहकीकात करते हुए जिस बच्चे के साथ ये गया था उनके बारे में मालूमात करे और पुलिस को जाकर ये तमाम तफसीलात रखी, उसके बाद जब वो लड़के को लाया गया तो उससे ये मालूम हुआ कि जो है ये कत्ल हुआ और 7 गुम्बद दक्कन पार्क के सामने उसकी डेड बॉडी वहीं पर डाल दी गई। कितने दिन पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखा है? ये सैटरडे फ्राइडे शाम में। तो मर्डर कब हुआ सर? मर्डर शायद मैं समझता हूँ जुम्मे के दिन ही हुआ होगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन नहीं हुई। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस जो है 2-3 दिन से इनके वालिद साहब से जो मेरी तफसील बात हुई है, वो यही बता रहे थे कि जो है पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है कोई ज़्यादा इस बारे में सीरियस एक्शन नहीं ले रही थी, ये लोग ख़ुद अपना पर्सनल तहकीकात करके पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन दिए, कलेक्ट किए पूरा इन्फॉर्मेशन और पुलिस को ला कर दिए। लेकिन मुझे अफसोस और ताज्जुब इस बात पर हो रहा है, एक टूरिज्म प्लेस 7 गुम्बद के पास, जबकि 24 आवर्स वहाँ पर रक्षक जाना आना लगे हुआ रहता, CCTV कैमरे है, तो वहाँ पर डेड बॉडी जब फेंकी गई या जो भी वाकया हुआ, और 3 दिन तक पुलिस को किसी बात का इल्म नहीं है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। और ये शहर में ऐसे कई वाकयात कत्ल के आम होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, तो मैं के जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब पुलिस से जो है बार बार यही अपील करूँगा कि इन ऐसे हादसात को रोकने की भरपूर कोशिश करें।